ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। बोले सोनियार, सत श्री अकाल, श्री वाहेगुरु दा खालसा, श्री वाहेगुरु दी फतेह। We'll be right back.
मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। कैच हिम अलाइव। नसीब नहीं हुआ। अब हर हिंदुस्तानी फौजी का यही अंजाम होगा जो इस गफूर चंगेजी के साथ टकराने की हिम्मत करेगा। दोस्तों, अब हमको यही देखना है कि आतंकवाद के बढ़ते हुए कदम कौन रोक सकता है। कश्मीर, जो हिंदुस्तान के सर का ताज है, जिसे हर हिंदुस्तानी जन्नत समझता है, हम उसे जहन्नुम बना देंगे। जहन्नुम कश्मीर की वादी को हम एक ऐसी बस्ती बना देंगे जहां जिंदगी महंगी और मौत सस्ती होगी। शकूर मेरे भाई, ये तेरा मिशन है, तेरा। इसमें वो सब लिखा है कि तुझे क्या और कब करना है। भाईजान, हम दोनों ने एक ही मां का दूध पिया है। खुदा कसम, दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देने वाले हिंदुस्तान के सीने पर हम इतनी लाशों का बोझ रख देंगे कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और ये कमाल तुझे करना है जमाल। जमाल ने आज तक जो भी काम किया है वो कमाल ही किया है, माशाल्लाह, और इंशाल्लाह इसमें भी कमाल ही करेगा बिरादर। जमाल के कमाल की तरह तुझे भी आंधी की तरह टूट पड़ना है उस्मान। उस्मान बोलता कम है, करके दिखाता है। वाले खान, याद रहे, इस बार पूरा हिंदुस्तान। खान के बच्चे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है बिरादर, याद तो पूरा हिंदुस्तान रखेगा। बस तो समझ लो इसे और अपने भेजे में भर लो, फिर इसे जलाकर इसकी राख को अपनी पेशानी पर लगाकर कूद पड़ो अपने मकसद की ओर, और मैं चाहता पूरे हिंदुस्तान में कोहराम। हमें हिंदुस्तान की गली गली से मातम के कसीदे सुनाई देने चाहिए। शहनाइयों के सुर इस चंगेज खान की औलाद को अच्छे नहीं लगते।
कहीं पहुंचना है, चलो जल्दी आ जाओ, माँ के भक्तों सारे आ जाओ, वो बस कहीं नहीं रुकेगी। हाँ सब अपनी अपनी जगह, वो बीवी जी संभल के बैठिए, आ चला मुन्ना चलो अंदर। चलो ए हैदर, टाइम नहीं है अपने पास, सुबह होने से पहले हमें राजौरी पहुंचना है और वहां के एमएलए को खत्म करके वहां दहशत फैलानी है, पुल भी उड़ाना है और रात होने से पहले हमें कारगिल कैंप पहुंचना है। जल्दी चलो चलो। तुम लोग गोली मत मार रहे, मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। राजपूत दुश्मन को बख्शता नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मुझे माफी दे दे। गोली मत चला, गोली मत चला, मत चला, मुझे मत मार, मत मार मुझे। अरे अरे बख्श दे मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं है, हम तुम भाई 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 भाई, भाई मत मार। हाँ भाई, एक मौका मिलेगा तुझे, ये देख अंग्रेजी सिक्का, हेड या टेल? हेड हेड हाँ हेड हेड तूने तो मेरे मन की बात बोली, ये ले हेड। ये है मंत्री वीरभद्र सिंह उर्फ राजा साहब। 3 साल पहले मेजर राठौड़ की शमशान यात्रा के वक्त कर्नल बलबीर सिंह सोडी ने इन पर हमला किया था, मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से राजा साहब बच गए। 1 साल पहले दूसरी बार भी इन पर हमला हुआ था, लेकिन उस वक्त इनकी तकदीर ने इन्हें बचा लिया, ये उस गाड़ी में थे ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? ये देखो, मेजर अजीत आर्या। सर, ये कर्नल सोडी का हमशक्ल है, इसका नाम दादाभाई उर्फ देवराज हथौड़ा है। इसी शहर में एक अमर अकबर एंथनी चाल है,
जहां ये रहता है, ये उसका घर है। उसी बस्ती के एक हिस्से में ये उसकी हथौड़ा फैक्ट्री है, ये उसका धंधा है। नाम दादा भाई है, लेकिन ये दादा नहीं। बस्ती के लोग इसे मसीहा की तरह मानते हैं। अच्छे बुरे सभी इससे डरते हैं, गरीबों का हमदर्द है। पुलिस के रिकॉर्ड में भी इसे अच्छे नागरिकों में गिना जाता है। लेकिन मुझे आपको शक है कि कर्नल सोली हो सकता है? यस, दैट इज द पॉइंट, क्योंकि इस वक्त राजा साहब उसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। सर, अगर ऐसी बात है तो उस गद्दार को आप तक पहुंचाने के लिए अजीत आर्य अपनी जान भी दे सकता है। इस देश के गद्दारों को अंजाम तक पहुंचाना, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। रिलैक्स मेजर, मेरी गल चंगी तरह सुन ला। जिस मिशन पर तुम्हें जाना है वो बॉर्डर नहीं है, सिविल एरिया है, और वहां तुम्हें अपनी बोली और गोली दोनों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। गल समझ आई? यस, वेरी गुड। इस कॉपी में कर्नल सोडी की आदतें और सारी डिटेल्स मौजूद हैं। थैंक यू सर। के हाथ से नहीं बच सका था तू। अरे अंदर समझ भी नहीं आ रहा। अरे अरे पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। मार, हट। पता नहीं आज सुबह सुबह दादा भाई का दौड़ किसे पड़ रहा है। हाँ यार, हट हट मार, मार तोका, मार आज तो काम नहीं छोड़ा, कहाँ बच के जाता देखा था ये हम तो का। हाँ दवा, हाँ हो रहा है। फिद्दी ना फिद्दी का तुम हुआ जाए करके बैठा है ससुरा। कस हो, कस समझे तो तुम हमसे बच सका था। आए, बहुत परेशान किए हो तुम, आज तुम्हार मौत निश्चित है बोले देते हम। ये देखा था, ये देखा दादा भाई का पजामा, का हालत कर दिए हो तुम। आई देखा, ये दादा भाई का जूती। आए, खुद तो भूखा नंगा, हमाओ को भूखा नंगा समझो तो का हम। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, अब आई दिखाई दे तो का, ठहर जा। हाँ, घूमा तुम अब आइन। अरे अरे भागा साला, भागा, पकड़ पकड़, मार मार साला, पकड़ निकल जा। लाहौल विला कुवत, खुदा पहाड़ और निकला चूहा। कैसा आ गए तुम लोग, तमाशा देखा है? चलो जाओ, अपना अपना काम करा। दादा भाई, हाँ, आपसे मिलने ये साहब आए हैं। कौन है साहब, हम तो इनका चिन्हत नहीं है। मैं किटप्लाई कंपनी से आया हूँ दादा भाई। ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा, कुआ से आए हैं। अरे कुआ तो हमारे छोटवा नौकरी पे लगा है। छोटू नौकरी पे लगा नहीं है दादा भाई। फिर यही बताने के लिए तो बॉस ने मुझे आपके पास भेजा है। आपके कहने से छोटू और स्वीटी को ड्यूटी पर तो रख लिया था, लेकिन आज तक उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है सर? अरे क्या बात कर रहा था, रोज सुबह तो हमसे मिलके जाता, कहा था हम ड्यूटी पे जाता है। यही कहने के लिए तो आपके पास आया हूँ दादा भाई। पिछले 8 दिनों से वो मेरी जीप लेकर जाता है और साथ में 5 लीटर पेट्रोल के पैसे भी लेकर जाता है। जीप लेकर जाता है और 5 लीटर पेट्रोल का पैसा? हाँ। ये कौन सी ड्यूटी करा थे ससुरा?
लगता है दादा भाई घर पे नहीं। साले अकेले रहने का मजा ही कुछ और है। ना किसी का डर, ना किसी की रोक टोक। जब जी चाहे आओ, जब जी चाहे जाओ, कोई झंझट नहीं। रात को सोते वक्त अगर कपड़े पहनने तो पहनो, और अगर नहीं पहने। नंगा सोए का मजा कुछ और होता है भैया। शाबाश, एकदम सही रास्ता पकड़े हो तुम। खूब नाम रोशन करबो तुम हमार। अरे नहीं नहीं दादा भाई, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज दादा भाई, आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। वरना इस भरे शहर में मेरा और कौन था? अगर आप मुझे बड़े भाई का सहारा नहीं देते तो पता नहीं ये लवारे से शहर की कौन सी गली में कहां कहां धक्के खा रहा होता। बस यही बोल के तुम फायदा उठा लेते हो। जाना था कि हम तुम्हारे सगा नहीं है, ज्यादा बोला तो तुम घर छोड़ के चला जाओ, यही ना? नहीं नहीं दादा भाई, आपका मोंटी ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे तो फिर हमारी बात का नहीं मानत हो? उस सुलेमान के जिप्पो में 2 साल के साथ घूमत फिरत हो, नौकरी पे जात नहीं हो, दिन भर लफड़बाजी करत हो, जिंदगी के बारे में कुछ सोचा हो कि नहीं? अरे मेहनत नहीं करबो तो दुनिया ठेंगवा दिखाई दे तो का। दादा भाई आज से आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, और सुलेमान चाचा की जीप को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सीधे नौकरी पर जाऊंगा और वापस आऊंगा। मगर आप कभी ऐसा मत सोचना कि आपका एमोंटी आपको छोड़ के कहीं जा सकता है। अरे जितना प्यार आपने मुझे दिया दादा भाई, उतना तो एक सगा भाई भी नहीं देता। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। सच या जाओ नखवा में तुम पानी ले आओ तो ना, ऐसे हम पिघल जाते हैं। जाओ खाना खा लो, जाओ। दादा भाई अच्छा वो आप यहाँ मिल गए, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। हाँ यही बतावा चाहत हो ना कि आज छोटुआ तुहार जीप लेकर के ना ही गवा है। अरे जाए कैसे, वो हमसे कसम खाइस है। लेकिन अरे बोले तो बीच में काटो कथो। देखा रात को सामने बैठा करके हम ओका सब समझावा, वो तमाम बातों को समझ के ओका ताबीज बना करके अपने गरवा में डाल लिए। से बहुत नेक बच्चा है, एक बोलो सौ समझा। मगर अरे का अगर मगर लगा रखा है, हम बोला था तो से जीप तो का फटावा टायर भी ना ले जाएगा। दादा भाई मेरी बात तो सुनिए, वो आज फटावा टायर नहीं मेरी मोटरसाइकिल लेकर चला गया है। का? हाँ, और साथ में 5 लीटर पेट्रोल का पैसा। फटफटिया लेके चला गया? साथ में 5 लीटर पेट्रोल का पैसा भी। ये 5 लीटर पेट्रोल का पैसा लेकर ससुराल जात कहाँ है? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है स्वीटी, ये चोरी है। और चोरी से लिया गया चुम्मा जिंदगी की सबसे हसीन चीज होती है। ओ स्वीट। ए भाई साहब, यार तुम कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। जब देखो बीच में टिकट कटा के आ जाते हैं, अभी चुपचाप बैठ के फिल्म देख। चुपचाप बैठ के फिल्म देख। शर्त लगाने का मूड है? अरे पिक्चर का खर्चा भी निकल जाएगा। शर्त क्या है? हाँ तेरे आगे देख, वो जो तेरे सामने टकला बैठा है ना, हाँ उसके सर पे एक टपली मारने का 100 रुपया और जोर से मारने का 200। सोच ले। भाई साहब थोड़ा नीचे होके बैठो ना, दिखाई नहीं देता कुछ भी, अपनी हाइट थोड़ी कम है ना। ठीक है ठीक है, कैसा लौंडा यार। देखा ना। एक और मारता है क्या? जोर से जोर से। मंकी मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे घूर, तूने कादर भाई को अलीबाग से आयला समझाया क्या? तू जिस स्कूल में पढ़ा है पर उधर का हेडमास्टर था। तूने ये लोग से शर्त लगाई मुझे मालूम नहीं क्या? अबे चलना शाने, बहुत होगी तेरी शरणपति, समझा ना। अरे जानता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ कौन है ये? कादर भाई है, काली गली वाले। सीधा हटा देंगे क्या? अबे साले।
के हाथ है। हेलो, कोई नहीं छुएगा इसे, इसने मेरे से पंगा लिया है, इसे मैं देखूंगा। लोगों का जीना हराम कर दिया है तुम बदमाशों ने। थिएटर को क्या अपने बाप का बगीचा समझ रखा था? देख लूंगी तुम सबको। कौन सी गैंग के हो तुम लोग? अरे मैडम। अबे ओ हीरा की औलाद, खबरदार जो मुझे मैडम कहा तो। वर्दी दिखती नहीं क्या तेरे को? सही कहा आपने, आपको मैडम कहे तो ऐसा लगता है जैसे आप इंग्लिश स्कूल की टीचर हो। अबे ओ उजड़े चमन, अपनी जवानी छाप जुबान को काबू में रख, समझा? मैं टीचर हूँ या शार्प शूटर, इस बात का पता तुझे अभी लग जाएगा। बहुत शाने बनते हो, लेकिन मेरा नाम भी किरण पाटकर है, पाटकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मैंने आज तक 49 गुंडे मवालियों को इसी जगह ला लाकर कोपचे में उड़ाया है। ए हीरो, सुना क्या? कितने? 49। और आज तुम सबको उड़ाकर गोल्डन जुबली मनाऊंगी। वन वे ट्रैफिक कर दी ना बिन मौसम बरसात। नाम क्या है तेरा? राजा। चल माल निकाल, कितना है? चल जेब में हाथ डाल, चल। 20 रुपए खाली, 10-10 के दो। अरे भिखारी कहीं का नाम रखा है राजा और जेब में सिर्फ 20 रुपया, क्या कर दियो यहाँ से? अरे वाह, नाम बड़े और दर्शन छोटे। चल पट्टी निकाल, चल चल टाइम वेस्ट मत कर, चल चल मोटे वाटा का भी चल। क्यों, हाफ टिकट सोच के देगा क्या? नहीं नहीं। हाँ तो निकाल ना, चल फूटे ढकने के। चले काले गली के शाने रोकड़ी कर, चल जल्दी चल। क्या है चिकने, हीरो बनने आए क्या? जी बस। चल चल नाटक छोड़, जेब में हाथ डाल के माल निकाल, बहुत हो गया तेरा नाटक। जी पैसे वैसे तो है नहीं मेरे पास। है नहीं? जी बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, खाली जेब वालों का स्क्रीन टेस्ट हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से होता है, चल। ओए देखिए मैडम। शट अप, मैंने कहा ना मुझे मैडम मत कहना। अच्छा सॉरी, ओके। इंस्पेक्टर साहिबा, वैसे इंस्पेक्टर साहिबा आप मुझे यहाँ पर 15 मिनट से ज्यादा रख ही नहीं सकती। क्यों, तू कोई नेता या कमिश्नर की औलाद है या किसी भाई का सगे वाला है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर समझ ले, किरण के पुलिस स्टेशन से टैक्स दिए बिना तुझे यमराज के सिवा और कोई नहीं छुड़ा सकता है। अच्छा, लगी शर्त? शर्त? शक्ल और जेब से तो किसी कंगाल दल का लीडर लगता है, और शर्त लगाएगा माल खाओ किरण से? हा? माफ करना इंस्पेक्टर साहिबा, लेकिन असली माल तो लीडर के पास ही होता है, फिर चाहे वो कंगाल दल का क्यों ना हो। ये देखिए, असली 500 गांधी बापू वाले, एक नहीं 3 है, 3 लगे 1500 रुपए की। अबे चिकने साले, तू शकल से भोला मगर दिमाग से काफी चालू लगता है। चल लग गए शक, मुझे भी आज 1500 ही मिले।
बीबीसी। ओ बीबीसी टीवी से आए हैं? ना, बीबीसी मतलब बाशु बोंकिम चंद्र। चट्टोपाध्याय। ए क्या कर रहे हो? वो कभी कभी हमारा बैटरी डाउन हो जाता है, वो किसी को छूने से फौरन चार्ज हो जाता है। हम चट्टोपाध्याय फोटोग्राफर कम प्रेस रिपोर्टर आनंद बाजार पत्रिका कोलकाता। हम क्रांतिकारी पत्रकार, हमारा कॉलम हम AK-47 की तरह धता 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 चलाता है, रुकता ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। सुबह सुबह ही डाउन बैटरी कहां से आ टपका? हाँ तो मिस्टर डाउन बैटरी, मेरा मतलब है बीबीसी। हाँ। तुम इतने हिलते डुलते क्यों? सीधे खड़े नहीं रह सकते क्या? हम चुंगम खाता है। पता नहीं कहाँ से खा रहा है। हाँ। खा रहा है मुंह से और हिल रहा है पीछे से। बैठिए। थैंक यू। देखो ना, हमें कौन सा स्टेट का पुलिस कितना ईमानदार। थैंक यू, इसके ऊपर थीसिस लिख रहा है। अच्छा। हम ट्रेन से जा रहा था, आपको मैनली स्टाइल से गुंडों को पीटता देखकर हमसे रहा नहीं गया। हम चलती ट्रेन से झांप मारा और आपका कारनामा का छोभी खींचा। अपना स्टाइल उड़ी बाबा। हमार खूब भालो लागलो। जो दे आप फिल्मों में होता ना तो सोनी देवल का और आपका जोड़ी कमाल का। ओह एकदम सही कहा भाई, मारता है। शट अप सर, ही इज माय फेवरेट हीरो। आई सेड शट अप। देखिए मिस्टर बीबीसी, अब आप छपवा दीजिए इन तस्वीरों को अखबारों में और कर दीजिए मेरे नाम का हंगामा सारे शहर में। आपके नाम का असली हंगामा तो तखन होबे जब इस छवि के साथ आपके असली रंग का ये छवि भी छपेगा। घूस खाने वाला ये दूसरा, जरा वो अंडर है प्रिंटिंग में। भयंकर डेंजर। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? पत्रकार सुनो, मैं कोई लेडी डायना नहीं हूँ कि तुम जैसे फालतू जर्नलिस्ट से डर जाऊंगी। मैं लेडी किरण हूँ, किरण पाटकर। मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, बहुत खतरनाक चीज हूँ मैं। वो बांग्ला साड़ी पहनोगी ना उड़ी बाबा, और डेंजर लोगोगी। ये डाउन बैटरी लगता तो है मर्द का बच्चा, वरना वर्दी में और वो भी पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर के साथ ऐसी बात। शायद दादा भाई आ रहे हैं। दादा मुनी आ रहे हैं, एक्टर। दादा मुनी नहीं, दादा भाई। आपका भाई? अरे मेरा भाई नहीं, हम सब का भाई, शहर का भाई। उड़ी बाबा, शहर का भाई। वो अपना हिसाब किताब बाद में करेगा, वो चलता है। बाय बाय। लगता है हथौड़ा यहीं पे टकराएगा। मगर दादा भाई, इसके लिए आपको यहां तक आने की क्या जरूरत थी? सिर्फ एक फोन कर लिया होता। पांडू सोनू दया थेला सोनू का हां लो सर, सिर्फ 3 मिनट बाकी। अगर मैं शर्त हार गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कम ऑन कम ऑन, फास्ट फास्ट कर मैम साहब। ये आपसे भी शर्त लगाई सका? लाइए लाइए, शर्त के पैसे निकालिए, टाइम नहीं है। हो गया, आप शर्त हार गए। आई सी यू। ए चटवा, ए चटवा, अरे कहां दौड़ा जाता है? छोटू नहीं दादा भाई, मोंटी। मोंटी आप जानते हैं मैं कभी जीते शर्त के पैसे वापस नहीं करता, जानते हैं ना? ओके, आई सी यू लेटर। अरे देखा, ये ले भगवान। लगता है बहुत लाड़ प्यार से पाला है आपने अपने भाई को, है ना? अब बस यही हमारे कमजोरी है मैम साहब, अब का बताई तो का। और ससुराल जाना था कि हम उसे बहुत प्यार करते हैं, बस फायदा उठा लेते हैं। अब देखा आपसे शरत लगा सके नहीं। हां कितना लगेगा भाई? अब 1500 ही थे ही। अरे 1500 होते है इल्ले। एक दो तीन, 1500 रुपया ये लो गिल्ले। अरे नहीं नहीं दादा भाई, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? ला ला ला, रखा रखा रखेगा। अब मगर दादा भाई, वो पैसे मेरे थे ही नहीं। तो हार नहीं रहा है? फिर भगवान का प्रसाद ही समझ लीजिए। अब वो मैं खाऊं या वो खाए क्या फर्क पड़ता है? ला हमारा रुपया वापस दे। ये क्या हो रहा है?
कोनो मरगवा का? अरे चलो निकलो यहाँ से, भागो भागो, खाली करो ये जगह, चलो चलो चलो। क्यों चलो? छोड़, अबे छोड़। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कि बच्चे अंदर बम रखा है, लॉकअप के साथ पुलिस लाइन भी उड़ जाएगी, खुद तो मरेगा मेरे को भी मरवाएगा साला। ससुराल लॉकअप में बम तुम्हारी रखे रहो ना, ताकि बिहारी जबान खोले से पहले खत्म हो जाए और तुम्हारे जौन उल्टा सीधा काम है वो छुपा का छुपा रह जाए। हमसे होशियारी करा। बाबा इंस्पेक्टर साहब, और पुलिस स्टेशन में जौन आदमी बम रखे रहा ये है ससुरा, डर लेगा। हराम ज्यादा आग के का दिखाते पे मारा बाबा खींच के तो कब ले जा ले जाएगा। चलो ले चलो इसे। हाँ ले जा। क्यों दादा भाई? चलो चल। ससुर की अन्ना। और दादा मुनि कौन है भैया? ओहो तुम आओ यहाँ आए गए। कैसे भैया हमसे कोनो काम है का? आमी पत्रकार बीबीसी। बीबीसी? हाँ ये का होता बासु बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये क्या करत हो? हमारा बैटरी को भी कभी डाउन हो जाता है, ऐसा छूने से रिचार्ज हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। गाड़ी का बैटरी डाउन हो जाते ही तो हम सुना रहा। हाँ। आदमी का बैटरी डाउन हो जाते पहली बात सुन रहा है हम। और एक बात बताई तो ये जौन तुम्हारे बाल है ना, चूल 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 चूल, ये जौन चूल है तुम्हारे। हाँ। बहुत बढ़िया है। वो इससे भी बढ़िया था, इतना लंबा था। अच्छा। वो हिंदू मुसलमान का राइट में आधा कट गया। कैसे? वो हम रिपोर्ट लिखने गया था, वो गुंडा लोग हमको लड़की समझ के पीछे पड़ा, वो तलवार से आधा कट गया, चूल कट गया, हम बाल बाल बच गया। तेरे की। गोशन, गोशन। आजा बैठा 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 बैठ जा। ये हम सिगरेट खा सकता है? सिगरेट खा सकता है? अरे सिगरेट पिया की चीज होता है, खाए की थोड़ी ना। नहीं हम बांग्ला में सब खाता है, पीता नहीं। आप सिगरेट नहीं खाता है? अरे सिगरेट ना खाए हमार दुश्मन, ये देखा ये फाई फाई फाई, ये है दादा भाई की असली पसंद। बाबा रे, पूरी बाबा, ये की ड्रामा, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, बिल्कुल तुम्हार जैसे। मतलब? मतलब ये भैया। हाँ। कि तुम ठहरे पत्रकार। हाँ। तुम्हार रिश्ता होए का चाहे गम के साथ या तो फिर रम के साथ, ये बम के साथ जौन तुम्हार रिश्ता बन गवा, ये हमार खोपड़ी में घुसत नहीं है। आज जौन पुलिस स्टेशन में तुम बम लेके भागे हो, हमका तो ऐसा लगा कि तुम्हारा बहुत पुराना रिश्ता है उसके साथ। नहीं वैसा नहीं है, वो क्या है, वो बिहारी गुंडा था ना, उसका हम छोबी उतारने को गया था। हाँ। उधर हम बम देखा, हमारी वो कहते हैं ना कि जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने, वो मजबूरी पे बहादुरी दिखाया। अच्छा। लेकिन दादा भाई आपका ये हाथ एकदम हथौड़ा है आर्मी वाले जैसा, आप बम को बिल्कुल नहीं डरता है। अब का बताई भैया, हमार तुम्हार कहानी जौन है। हाँ। वो बहुत मिलत जुलत है। हाँ। समझो कि नहीं। हाँ। अब देखा, बिना कोनो दादागिरी किए तमाम शहर वाले हमार नाम रख दिए हैं दादा भाई। हाँ। और तो और इनाम के पीछे एक और नाम जोड़ दिए हैं, हथौड़ा। हथौड़ा। अभी सबके बाद अगर हम डर जाए। हाँ। तो कहे का दादा भाई, कहे का हथौड़ा, बताओ। दादा भाई आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। हाँ। आपका इंटरव्यू लेना चाहिए। आपके पास विजिटिंग कार्ड है? विजिटिंग कार्ड? अरे बाप। हाँ? विजिटिंग कार्ड का जरूरत नहीं पड़ा था क्यों? हमार नाम ले करके। हाँ? कौनो रिक्शा वाला, पुलिस वाला, टैक्सी वाला के दे देबो तो सीधा लाए करके हमार दरवाजा के आगे तो का उतार दे है, समझो। अच्छा
दादा भाई। हाँ। अरे ये लड़की को तो भूल गए रहे हम। हाँ अच्छा भैया जाए थे आए। हाँ राम राम। गुस्सा बहुत करता है, बीड़ी भी पीता है। अब रह गई दो बातें, चाय बिना शक्कर की पीता है कि नहीं, और बोलता कितना है। स्माइल प्लीज। देखा भैया ये जाओ ना इंटरव्यू तुम ले आ चाहत हो का करबो यही ना कि हम पैदा कहाँ हुए, हमारे माता पिता का नाम का है, हम हुआ से हिया कैसे आ गए, हिया हम काका किया, यही जानना चाहते हो ना। ए गंगू भाई अरे सुना 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 सुना, तुम्हारा जो प्योर दूध वाला स्पेशल ताजगी वाला चाय है दूसरे प्याला हमको दे दिया। ये देखा बीबीसी साहब है। नमस्कार। हमारे इंटरव्यू नहीं है। हाँ जल्दी करा। ए सलमान भाई का देखा था इंटरव्यू? हाँ कल हमारे अखबार में फोटो छप जाए। हाँ फोटो छाप दे बनो भैया। हाँ छाप देंगे छाप देंगे। दादा भाई बैठा बैठा बैठा। देखा तुम जो पूछा चाहत हो वो हम सब जाना था। हम जो बोले वाला है वो सुन लो। अरे ओ मौलवी भैया ये देखा इंटरव्यू इंटरव्यू हो जा बैठ जा बैठ जा। हाँ हाँ भैया बोला। ये लो भैया दो कप असली ताजगी वाली अमीरी तुम दोनों के लिए और बाकी गरीबी सबके लिए। ठीक है गंगू भाई। अमीरी अमीरी चौक गयो ना। अरे हम समझाए थे तो का अमीरी का मतलब होता है दूध ज्यादा पानी कम और गरीबी का मतलब होता है पानी ज्यादा दूध कम। अरे नहीं भैया पानी है पानी होता है दूध का तो केवल खुशबू होता है। हाँ बोला भैया कितना शक्कर डाली है मैं? एक चम्मच। एक इल्ला एक चम्मच चाय ये तुम्हार हो गई और ये हो गई हमार। आप शक्कर नहीं खाता है? अरे शक्कर ना खाए हमार दुश्मन। ये देखा एक दुई तीन चार और ये पांच ये देखा था एक कप बोला था खड़ी चम्मच की चाय। चम्मच खड़ा हो गया। हाँ खड़ा हो गया मीठा तने खम का ज्यादा जरूरत पड़ा था। एक चाय देख और एक डाल दिया है बस ये गवार डायबिटीज से मरेगा। इतनी बकबक करने वाला कर्नल सूरी हो ही नहीं सकता। कैसे भैया बीबीसी? हाँ? का? अरे हम जाना था तुम्हार मन में का चला था? नहीं नहीं आवाज बहुत होते ना। अब देखा भैया का बताई तो से चाय पिए का जौन तरीका है हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं पिया जाता है। इस शहर वालन की तरह हम चाय नहीं पी सकते हैं। ये जौन चूहिया की तरह मुँह लगा के ये जो खुदर बुदर करा था ना ये हमसे नहीं हो सकता। चाय पिए का असली मजा जौन है वो एहमा है। आए कहते भैया सुलेमान का हाँ। अब मुजरा देखे जाए और घुंघरू की आवाज ना हो तो कहे का मुजरा। सही कहा। गंगू भाई कौन है ये? कोई प्रेस वाला है दादा भाई का इंटरव्यू ले रहा है। मगर दादा भाई आज बोल बोल कर किट कॉल की तरह उसे खटिया से ऐसा चिपका देंगे कि उखड़ने का नाम ही नहीं लेगा। हाँ भैया अब सुना हमार कहानी। चलो थे। हाँ। कोई मर गया क्या? अरे मरा नहीं मरा वाला है सामने वाले घर में शादी होते। हाँ। एक और फंसा ससुरा। अरे मुन्ना सुना हो ए तनिक बलवंत के बोला ही गाना बजाना बंद करें हमारा इंटरव्यू चला था ये टिपवा में आवाज कैसे घुसी? दादा भाई मैं जरा जल्दी में हूँ शॉपिंग के लिए जाना है। का बलवंत की शादी की शॉपिंग? शादी की नहीं अर्थी की। अरे कौन उठ गो बका? वो रामू चाचा थे ना। अंतिम संस्कार का सामान लाने को शॉपिंग बोलता है यंग जनरेशन। अरे भैया बीबीसी। हाँ दादा भाई हमका तुरंत रामू चाचा के यहाँ जाएगा पड़े। हाँ ये इंटरव्यू कोनो और दिन नहीं हो सका? हाँ हो सकता। हाँ तो ऐसा करा था कि परसों इतवार के दिन हमारा जन्मदिन है यहाँ खूब गाना बजाना खाना पीना हो तुम्हारा आ जाओ तुम्हारा काम हो जाए पर आज हमका जाएगा पड़ी भैया। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा राम राम राम। अच्छा राम राम भैया। प्रणाम प्रणाम। राम राम।
राम राम साला। गुस्सा भी करता है, शक्कर वाली चाय भी पीता, बीड़ी भी पीता, बातें भी बहुत, शक्कर वाली चाय भी पीता, गुस्सा भी, बातें भी बहुत करता, बातें भी बहुत, बीड़ी भी पीता। अब सिर्फ एक बात रहे, उसकी फिंगरप्रिंट। कौन है? उड़ी बाबा। लगता है बचपन में भी शरारती था। कितनी नंगी तस्वीर खिंचवा के रखी है जी? गया कहाँ? वाओ! ये अपनी चॉइस का मामला है। वाह, क्या मसल्स बनाए हैं आपने! लगता है आपको कसरत का बहुत शौक है ना? नहीं, वो कसरत कभी कभी कभी, वो सलमान उसका फोटो सेशन किया था ना हमने, वो तब से हमको भी थोड़ा सा चौसका लग गया वो कसरत का। ये सब सामान वो कसरत का, वो यही बच्चा दिया। वेरी नाइस बॉय, वेरी गुड बॉय, ही इज वेरी नाइस चैप। मैं यहाँ बंगला साड़ी पहन के आई हूँ, वो नहीं देखता, बस भलती ही बातें किया जा रहा है। लगता है ये पुलिस वाली सोच रही होगी कि मैं बांग्ला साड़ी पहन के आई हूँ और ये देखता ही नहीं, भलती ही बातें किए जा रहा है। कुछ भी कहो, ये तीखी मराठन बांग्ला साड़ी में रसगुल्ला लग रही है। वेरी नाइस बॉय। तुम कुछ सोचता है? नहीं, सोचना क्या है, हम पुलिस वाले सोचते कम है, करते ज्यादा है। इज्जत खतरे में है, लगता है इसके इरादे नेक नहीं है। अजीत बेटे फुटाई से, वरना तेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। लगता है आप भी कुछ सोच रहे हैं ना? ना? हाँ, हम समझ गए। आप अपना छोभी लेने को आए हैं? ये आपका छोभी, वो सलमान का छोभी तो उसका मसल हमसे बड़ा है। उसका छोभी घर में चिपकाएगा ना, आपको प्रेरणा मिलेगा। क्या करूं मैं इस डाउन बैटरी का? साला मैं इसके मसल की तारीफ कर रही हूँ और ये सलमान के गुण गा रहा है। लगता है इस बुद्धू बंगाली का बाजा अब मेरे को ही बजाना पड़ेगा। ओ, एक माशूका है ये जिंदगी, तुम हो इस पे शैदा, आज तुम्हारा जन्म दिवस है, रलो तुम हो गए पैदा। वाह भाई वाह, क्या शेर मारा है, जरा हमरी भी तो सुनो। आए, हाँ हाँ सुना। हम है बनारस के भैया, ओ मेरे भैया, जिसको भी चाहे नचा दे। अरे हम है बनारस के भैया, ओ मेरे भैया, जिसको भी चाहे नचा दे। और चढ़ के ना उतरेगी भैया, ओ बड़े भैया, हम ऐसी मस्ती पिला दे। सुनो बाबू मशाई, हमें तेरे दीवाने, तुम्हें गोष्ठी बोले मिष्टी खोले मनवा डोले जाने। हमें तेरे दीवाने, हमें तेरे दीवाने, हम है बनारस के भैया, ओ मेरे भैया, जिसको भी चाहे न चाहते। और चढ़ के ना उतरेगी भैया, ओ बड़े भैया, हम ऐसी मस्ती पिला दे। सुनो बाबू मशाई, हमें तेरे दीवाने, কষ্টি বলে মিষ্টি খোলে মনুয়া ডোলে জানে। আমি তেরে দিওয়ানে, আমি তেরে দিওয়ানে, হম হ্যায় বানারস কে ভাইয়া, ও বড়ে ভাইয়া, জিসকো ভি চাহে না চাহতে। Oh!
सके भैया बताता भैया जिसको भी चाहे न चाहे और चढ़ के ना उतरे की भैया मेरे भैया हम ऐसी मस्ती पिलाते सुनो बाबू मशाई हम तेरे दीवाने तुम्हें गोष्ठी बोले मिष्टी खोले मन अंडले जाने हमें तेरे दीवाने संभाल के हाँ अरे इधर 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 पांव धरा है हाँ इधर 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 घुमा मैं जाऊंगा हाँ जाकर रास्ता मालूम है हाँ बताओ घर जाकर रास्ता बताओ हो स्ट्रेट लेफ्ट अच्छा लेफ्ट सीधा फिर राइट उधर एक भैंस खड़ा है बफेलो उसका ऐसा ऐसा करके स्ट्रेट उधर गांधी जी का स्टैचू है पुतला उसको प्रणाम करके टैक्सी में बैठ के घर को ठीक है जाओ बाय बाय दादा बाबू अरे आज जन्मदिवस हाँ जन्मदिवस एक शेर बोलू शेर शेर बोल बो हाँ बोला न गीला करेगा हाँ न सूखा करेगा न गीला करेगा न सूखा करेगा अच्छा तू साला मत रो हाँ ये बद्दुआ करेगा वाह भैया वाह का शेर पढ़े हो तुम सुनाए वाला का एकदम हावड़ा का पुल पहुंचा दिए हो अरे ये शेर थोड़ी ना है शेर तो ये है सुना ना गीला करेंगे ना सिकवा करेंगे तुम सलामत रहो यही बस दुआ करेंगे यही होता है शेर यही तो बोला था ना हाँ हाँ यही बोला रहा चला भैया जावा तुम होएगा तुम्हारा टाइम बाय 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 बाय
बाय बाय बाय बाय। Bye. 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 Kai. Bye. Kai. Bye. Kai. Bye. Bye. Hey Deva, me kuthe jao. Ye bhi bula raha hai, wo bhi bula raha. Tu bhi khoob hai. देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बाय। ब्रिगेडियर बेदी बोल रहा हूं। सर दादा भाई की कोई भी आदत बलबीर सिंह सोडी से नहीं मिलती, यहां तक कि फिंगरप्रिंट्स भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नो सर, बेसिक प्रॉब्लम इज दिस पर्सन इज अ लिटिल। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मन अच्छे ना अशुन? अशुन ये अशुन बाशुन क्या लगा रखा है? अशुन अशुन। हेलो हेलो हेलो, किससे बात कर रहे हैं? हमारा क्रिएटिव एडिटर है, सरदार है, बांग्ला जाने ना, बांग्ला समझता नहीं, इसलिए हमें शुद्ध हिंदी में बात करना पड़ता है। मैं जा रहा। हेलो, तुम हमारे इज्जत के पीछे क्यों पड़ा है? दिन रात जब देखो चला आता है साड़ी पहन के। अरे तुम मुझे अच्छे लगते हो इसीलिए आती हूँ। हम तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करता? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं जा रहा। यू आर एन इडियट। पता नहीं की कीड़ा कट रहा उन्हों। अच्छा, ए तो मेरी भी एक बात सुन लो। अगर तुम्हारे दिल पे अपना नाम नहीं लिख दिया ना, तो मेरा नाम भी किरण नहीं। बाबा रे बाबा। क्या हुआ भाई साहब, ट्रैफिक क्यों जाम है? अरे यार होना क्या है, वही कोई मंत्री जा रहा होगा, घर से निकला भी नहीं होगा और इधर ट्रैफिक जाम कर रखा है। कहलाते हैं जनता के प्रतिनिधि, लेकिन जनता कहाँ भूखे मरती है ये उनको मालूम भी नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने शर्मा जी। आज के जमाने में लोकशाही और राजाशाही में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क? बचपन से सुनता आया हूँ कि धरती पर जब पाप बढ़ता है तो उसका नाश करने वाला कोई देवता पैदा होता है। लगता है गया एक और। बलबीर सिंह चोरी है वो, पीछा करो उसका, जिंदा नहीं बचना चाहिए, जल्दी जाओ। Thank you.
आगे हो। दादा भाई दुखियां दे नाथ में रहे सर पे।
नमस्कार सर। देख लिया तुम लोगों ने, इसी शहर में मेरा पीछा करता हुआ वो सिर्फ मौके की तलाश में है, और तमाम दुनिया के सामने तुम्हारे डिपार्टमेंट ने यह घोषित कर दिया कि बलबीर सिंह सोढ़ी मर चुका है। अरे जागो कमिश्नर जागो, अब भी अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है तो एक मेरी और एक बलबीर सिंह की तस्वीर अपने घर की दीवार पर टांग देना, ताकि वो तस्वीर तुम्हें यह हमेशा याद दिलाती रहे कि तुम्हारी मौत मेरी मुट्ठी में कैद है और बलबीर सिंह की मौत में ही तुम्हारी जिंदगी है। हेलो, पुलिस वालों पर भड़क कर अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो वीरभद्र सिंह? कौन बोल रहा है? बलबीर सिंह सोढ़ी। मौत तुम्हारी हुई नहीं और अभी से मौन धारण कर लिया है? मौन तो मैं उस दिन धारण करूंगा बलबीर सिंह सोढ़ी, जिस दिन तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके अपने ही हाथों से तुम्हारी बोटियां गिद्धों को खिलाऊंगा। मेरे जिस्म की बोटियों में तुम्हारी तरह खद्दारी का खून नहीं जिसे कि गिद्ध नोच नोच कर खा सके। वीरभद्र सिंह, एक बात अच्छी तरह याद रखना, जो मरकर जिंदा होते हैं उनकी जिंदगी हरामजादी हो जाती है, जो ना आसानी से मरती है और ना ही किसी को आसान मौत मारती है। दादा भाई, जब भी आप मुझे छोटू कहते थे ना, तब मैं सोचता था कि अब तो मैं आपके कंधों तक आ पहुंचा हूं, तो फिर आप मुझे छोटू क्यों कहते हैं? मगर आज मुझे मालूम हो गया कि आप सचमुच बहुत ऊंचे हैं, बहुत ही ऊंचे। अब आप जिंदगी भर मुझे छोटू कहिए दादा भाई, मैं आपसे शिकायत कभी नहीं करूंगा। आज मैंने आपका असली रूप देख लिया है। मुझसे छिपाने की कोशिश मत कीजिए दादा भाई, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है और गुरुद्वारे में भाभी माँ से सब कुछ जान भी लिया है। आप जानते हैं आपकी बेटी को हार्ट की बीमारी है और उसे ऑपरेशन की सख्त जरूरत है। बेचारों के पास तो ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं, वो वहीं उस गुरुद्वारे में ही रह रहे हैं। मैंने आज ही पिंकी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। आप सोचिए मत दादा भाई, आप चलिए मेरे साथ, चलिए प्लीज, हरी अप। मगर दादा भाई, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इसके पहले भी आपके कहने पर कितने ही गरीबों के ऑपरेशन कर चुके हैं। कभी आपको यहाँ बुलाया है, और बिल भी तो हमेशा बाद में ही भेज देते हैं, है ना? डॉक्टर साहब, इतना समझ लिया कि जो बच्चे हमारे जान से भी ज्यादा हमका प्यारी है, कौनो कीमत पे का बचाए का चाहिए। जरूरत पड़े तो 10-20 से डॉक्टर और लगा दे, लेकिन एका कुछ हो ना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उसे, वी विल डू अवर बेस्ट। झोली भरने वाली माँ शेरों वाली, मेरी गोद को आप हाथ रखना। Thank you.
डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बच्ची? डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों हैं? ठीक तो है ना मेरी पिंकी? हाँ? I'm sorry, Mrs. Sorry, मैं पिंकी को नहीं बचा सका। डॉक्टर! मैंने तुमसे कहा था डॉक्टर उसे बचा लो। बात सुनो दादा भाई, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी खर्च करना पड़े, जितने भी डॉक्टर चाहिए बना लो, लेकिन तुमने एक ना सुनी। मत या उस नन्ही से जान को, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। भाई मेरी मां मार डालूंगा तुम्हें जान से। क्या हो गया आपको? एक अनजान तराई लड़की के लिए आप मेरी जान लेना चाहते हैं? न जाने कहां से आ गए धर्म खाते में ऑपरेशन कराने। धर्म खाते नहीं, बाप खाते में आए थे ऑपरेशन करवाने। मेरी ती है, मेरी बच्ची है ये, मैं उसका बाप कर्नल बलबीर सिंह सोढ़ी। कर्नल सोढ़ी, आर्मी के हो, अपने जज्बातों का इस तरह इजहार मत करो। यू आर अंडर अरेस्ट। यही तुम्हारे पापों की सजा है, शायद उसी की सजा मिली है मेरी बच्ची को। बचपन से गद्दार की बेटी के लगे दाग ने उसको दिल की बीमारी से जकड़ लिया और आज उसी बीमारी ने उसकी जान भी ले ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मिसेस सोढ़ी, आपकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ, शी इज ऑल राइट। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन डॉक्टर। चलो, नौटंकी खत्म हो गई। नौटंकी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। डीआईजी बनना चाहते हो क्यों? पहले कमिश्नर की ड्यूटी तो ठीक तरह निभाना सीखो। हमारे ही राज में, इसी शहर में, सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो दादा भाई बनकर जीता रहा और तुम सब अंधों की तरह उसके इर्द गिर्द घूमते रहे, उसकी तारीफ करते रहे। लेकिन सर आप कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब सिर्फ एक ही खबर तुम्हारी जुबान से सुनूंगा, वो है बलबीर सिंह सोढ़ी की मौत की खबर। किसी भी कीमत पर आर्मी हेडक्वार्टर्स तक वो जिंदा नहीं पहुंचना चाहिए। बस कहा था तुमने, नौटंकी अभी तो शुरू ही है। याद रखो, जितनी बार भी नौटंकी शुरू होगी, पर्दा उठाऊंगा भी मैं और गिराऊंगा भी मैं। एक मासूम बच्ची का सहारा लेकर धोखे से तुमने एक फौजी को नहीं, एक बाप को गिरफ्तार किया है। अजीत आर्या, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा तुमने। जब तुम्हारे ही चाल से, तुम्हारे ही मोहरे से मैंने तुम्हें मात दे दी तो मुर्दा कफन फाड़कर चिल्ला पड़ा। फौजी जीते जी अपनी मर्जी से कफन पहनते हैं, कफन फाड़ते नहीं। वो फौजी के लिए ठीक है, तुम जैसे भगोड़े के लिए नहीं। Yeah!
said stop it! Control yourselves, officers. Sir. मैं जा रहा हूँ। चलो मेरे साथ। सर। अधूरा ही सब बाद में। सर, कर्नल कुछ छुपा रहे हैं। बहुत सी बातें इनसे उगलवानी होगी। बड़े चालाक इंसान हैं। हम कल ही उसे हेडक्वार्टर के लिए रवाना कर देंगे। सर, मैं उन्हें हेडक्वार्टर लेके जाऊंगा। डोंट वरी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। सर, फिर भी मैं लेके जाऊंगा। प्लीज सर, मुझे इजाजत दीजिए। तुम कभी कभी नहीं, बार बार जोश में आकर अपने होश खो देते हो। सर, यह तो नाटक था उन्हें उकसाने के लिए। तुम्हारे नाटक में अच्छी तरह समझता हूँ। सर प्लीज, जो काम मैंने शुरू किया है मुझे उसे अंजाम तक पहुँचाने दीजिए। प्लीज सर। रिलैक्स मेजर, रिलैक्स। सर, मैं जा रहा। सर, तुम्हारी शादी हो चुकी है? यस सर। तुम शादीशुदा हो? नो सर। तो फिर एक काम करो। सर, तुम्हारा मिशन तो कामयाब हो ही गया है। सर, तो कुछ छुट्टियां ले लो, एक अच्छी लड़की ढूंढ लो और उसे शादी कर लो, ताकि तुम्हारा दिमाग शांत रहे, ठंडा रहे। गलत समझ आई? सर, रिलैक्स। मगर सर, इस सरफिरे से कौन शादी करेगा? आजकल हमारे देश को ऐसे सरफिरे अफसरों की बहुत जरूरत है। शायद इसको भी कोई सरफिरी मिल जाए। जा रही है आप? नहीं, नानी के बाद। वो मैं कल जा रहा हूं, मेरा यहां का काम खत्म हुआ। तो आपकी निगेटिव्स थी फोटोज की, मैंने कहा लौटा दूं। किरण बेटी, इस मिलिट्री वाले को कम मत समझना, ये एड़ा बन के पेड़ा खाने वालों में से है। देख तो कैसा सूट बूट में सच के आया है। लेकिन मुझे तो दाढ़ी के साथ ही हीरो लगता है, बिना दाढ़ी के तो जल्लाद लगता है। लगता है पुलिस वाली पे लट्टू हो गया है। नेगेटिव्स देने का तो सिर्फ एक बहाना है। आप कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं, सोचना क्या, मिलिट्री वाले सोचते बहुत कम है, करते बहुत ज्यादा है। लगता है आज इरादा करके ही आया है। अगर ये सचमुच मुझसे प्यार करता होगा तो इसे साबुन देने के बहाने बाथरूम में बुलाऊंगी। अगर ये आया तो समझो फिसला, और यस नहीं तो नो। नहीं, नो मतलब मैंने कुछ मांगा ही नहीं अभी तक। नो किस लिए? नो 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 यस, इसलिए कि मैं आपको ऐसे नेगेटिव देके जाने नहीं दूंगी। आप 10 मिनट बैठिए, मैं अभी नहा के आती हूँ। कहीं जाना नहीं है। टेक योर ओन टाइम। क्या बारूद है, एक ही धमाके में फिट हो जाऊंगा। आज तो कुछ बात करके ही रहूंगा। अगर मामला फिट हो गया तो पूरी रेजिमेंट में हंगामा मच जाएगा। वाह, अजीत आर्या क्या बीवी लाया है। यस यस यस, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और आपने यस कह दिया। यस मतलब मैं चाय पी के जाऊंगा। यस, आप नहा लीजिए इत्मीनान से, नो प्रॉब्लम। गेला रे गेला, ये मिलिट्री वाला तो काम से ही गया। ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ओ ठंडे ठंडे पानी से। अजीत जी, मैं साबुन भूल गई हूँ, टॉवल भी निकाल दिया है और टब में हूँ। प्लीज जरा साबुन लेके आएंगे? वही पड़ा है देखिए आपके पास। अजीत बेटे,
आज ये पुलिस वाली तेरी रिमांड लेकर ही रहेगी। चलो कोई बात नहीं, वो पुलिस वाली है तो मैं भी मिलिट्री वाला हूं, मुझे भी कोर्ट मार्शल अच्छी तरह आता है। रेडी फॉर ऑपरेशन धुलाई। धुलाई में धुलाई, मिलिट्री की धुलाई, मिलिट्री की धुलाई, बेहतरीन धुलाई, मिलिट्री की धुलाई सबसे सफेद। अच्छे लगते हो। बोलो ना, तुम मुझसे शादी करोगे ना? मुझसे शादी करोगे ना अजीत? बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? लगता है पुलिस वाली बाथरूम में ही पिघल गई।
हिस। अच्छी लगेगी तो मिलिट्री में और पुलिस में, दोनों वर्दी वाले, दोनों वर्दी पहन के काम पे जाया करेंगे। और हमारे दो बच्चे होंगे, हाँ, हम एक को मिलिट्री में डालेंगे, एक को पुलिस में, एक को मिलिट्री में, एक पुलिस में, एक मिलिट्री में, पुलिस में, मिलिट्री में, पुलिस में, मिलिट्री में, पुलिस। आइए ना। नहीं, मैं नहा के आया हूँ, आप नहा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, देश की हालत वैसे भी बहुत खराब है। मिलिट्री वालों को और पुलिस वालों को हर काम साथ साथ मिलकर करना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है। यस। हाँ। यस। यस। आइए ना। यस। पैकेट में बीड़ी है, बीड़ी दादा भाई की असली पसंद नहीं है। पीना छोड़ दिया क्या? बिल्कुल नो स्मोकिंग, गुड फॉर हेल्थ, नाइस। बकबक करना भी छोड़ दिया क्या? हाँ? अरे भैया हथौड़ा, यू चुप रहने से कोनो फायदा नहीं होवत। अब जहां जा रहे हो ना, वहां ऐसा आदर सत्कार किया जाता है कि गूंगे भी गजल ठुमरी गाना शुरू कर देते हैं। हम है बनारस के भैया उमरे आ। चम्मच खड़ा कर गया, चम्मच वो फुर फुर करके चाय पीना भी छोड़ दिया यार। ये छोड़ने के मामले में बड़े माहिर हो तुम। आज ये छोड़ दिया, इसके पहले बीवी बच्ची को छोड़ दिया, उसके पहले तो हद कर दी। अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज, अपनी वफादारी छोड़कर सीधे गद्दार बन गए। गद्दार नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं गद्दार। असलियत जानना चाहते हो तो अपने खून के उबाल को रोको और सुनाओ। ये कोई नौटंकी नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत। Oh!
यह नहीं हो सकता चंगेजी। तुम समझ नहीं रहे हो, मिलिट्री का मामला है। आज तक हमने तुम्हारे हर मामले को सुलझाया, चाहे वो इलेक्शन का हो या फिर गंदी राजनीति में किसी को खत्म करने का। याद है इस राज्य में आतंकवाद को फैलाया किसने, उसे पैदा किसने किया? बस तुम अब शॉर्ट में समझो, हमको ज्यादा समझाने का आदत नहीं है। उन चारों को किसी भी कीमत पर छुड़ाना होगा। और हाँ, उन चारों में एक मेरा छोटा भाई शकूर भी है, जो हमारे जिगर का टुकड़ा है। और अल्लाह कसम, हम अपने छोटे भाई के नाम का फातिहा नहीं पढ़ सकते। मगर चंगे, अगर मगर कुछ नहीं, किसी भी कीमत पर उन चारों को छुड़वाना तुम्हारे जिम्मे है। आज तक तुम्हारे हर खेल में हम जोकर बनकर खेलते आए हैं, मगर आज के इस खेल में जोकर। बस चंगेजी, आगे एक लफ्ज भी मत कहना, और एक बात ध्यान से सुनो। राजा साहब जब भी कोई खेल खेलता है तो हुक्म का इक्का अपने पास रखता है, और इस खेल में भी हुक्म का इक्का हमारे पास ही रहेगा। उठा लो इसे। आतंकवादी द्वारा मंत्री की बेटी का अपहरण, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आतंकवादी दिन दहाड़े मंत्री की बेटी को उठाकर ले गए, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह उर्फ राजा साहब की बेटी भारती को आज उग्रवादियों ने कॉलेज के ग्राउंड से ही उठा लिया, और बदले में उन चार खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की, जिन्हें हमारे भारतीय जवानों ने जान की बाजी लगाकर गिरफ्तार किया था। इस मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। इसका फैसला करने के लिए कार्यवाही कमेटी की मीटिंग कल दिल्ली में होगी। वीरभद्र सिंह जी, आप कैबिनेट कक्षा के सीनियर मंत्री हैं, और आपके पीछे एक बहुत बड़े देशभक्त फैमिली का नाम भी जुड़ा है। माफ कीजिए मगन भाई, ये देशभक्ति, समाज सेवा, कानून, ये सारे अल्फाज किताबों में बंद ही अच्छे लगते हैं। अब आप ही मुझे बताइए, आप और आप जैसे चंद सीनियर पॉलिटिशियंस को छोड़कर आज के पॉलिटिकल फील्ड में कोई भी ऐसा आदमी है जो इन चीज़ों पर विश्वास करता है और इन पर अमल करता है? Let's be practical. आज राजनीति एक धंधा बन गया है, धंधा। इसका मतलब उस मिशन में हुई हमारे फौजियों की कुर्बानी बेकार जाएगी? देखिए, फौजियों के साथ मेरी बेटी को कंपेयर मत कीजिए। किसी भी हालत में मैं उन चार टेररिस्टों के लिए अपनी बेटी को कुर्बान नहीं कर सकता। क्या जमाना आ गया है, लगता है महात्मा जी की बात सच होगी। मगन भाई, ऐसी कुर्बानी देने वाले नेताओं की आजकल सिर्फ मूर्तियां बनती हैं, जिनकी साल में एक बार सफाई की जाती है और मालाएं चढ़ाई जाती है, और बाकी के तमाम दिन परिंदे उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। एक बात और मैं आप सबको बता दूं, आज मैं आप लोगों का भाषण सुनने नहीं आया हूं, मुझे फैसला चाहिए, वो भी मेरे फेवर में। ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। ऐसा ही समझो, हर हालत में मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो आपकी ये मिलीजुली सरकार उड़ी समझो। 30 MP हैं मेरे पास, जिनके बलबूते पर आपकी ये सरकार चल रही है। इसे धमकी नहीं, मेरा फैसला समझना। और सब जानते हैं कि वीरभद्र सिंह जो फैसला सुनाता है तो कभी नहीं बदलता। सर, क्या फैसला हुआ आज की मीटिंग में? अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, मगर मैंने अपना फैसला सुना दिया है। एक बेटी तो क्या, अगर मेरी 10 बेटियां भी होती तो मैं उन सबको अपने देश के लिए कुर्बान कर देता। इन आतंकवादियों को इस मुल्क से हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाई है मैंने, और ऐसे मौके पर अगर हम जैसे लीडर झुक जाएं तो इस देश की जनता का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? सर एक मिनट, सर रुकिए तो। सर फिर कमेटी का फैसला क्या होगा? अब फिलहाल उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, हाईकमान का जो भी फैसला होगा वही हमें मंजूर होगा। केंद्रीय मंत्री राजा साहब की बेटी के किडनैपिंग केस में आज अचानक नया मोड़ आया, जिससे राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गईं। कार्यवाही कमेटी की मीटिंग में पर्दे के पीछे कौन सा राजनीतिक खेल खेला गया कि राजा साहब के न होने के बावजूद भी हाई कमांड ने ये फैसला किया कि उन चारों खूंखार आतंकवादियों को राजा साहब की बेटी भारती के रिहाई के बदले में छोड़ दिया जाएगा। इस मामले में हमारे दिल्ली के संवाददाता की एक रिपोर्ट। मनोज, क्या तुम बता सकते हो कि चार दीवारी के पीछे खेले गए इस खेल का असली हीरो कौन हो सकता है?
राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मगर यहाँ दिल्ली में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि गवर्नमेंट गिराने की धमकी देकर राजा साहब को एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मगर इन सारी बातों पर अब तो पर्दा पड़ा ही रहेगा, क्योंकि आज रात को ही उन चार आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा और भारती अपने घर वापस लौटेगी, और उसकी इस वापसी का राज हमेशा राज ही रहेगा। मनोज वाजपेयी, नई दिल्ली, आज तक। रुके रुके, कहाँ जा रहे हैं आप? मंत्री अंदर है, मैं उनके घर गया था तो पता चला कि वो यहाँ पर है। साहब की जब तबीयत खराब होती है तब वो इस फार्म हाउस में आराम करने आते हैं, उनसे यहाँ कोई नहीं मिल सकता। कोई मिले या ना मिले, आज मैं तुम्हारे साहब से मिलकर ही जाऊंगा। आप किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जा सकते। पता नहीं तुम जैसे गद्दार और देशद्रोही नेता का असली रूप हमारे देश की अंधी जनता कब देखेगी। कल तक तो टीवी इंटरव्यू में बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि मेरी एक बेटी तो क्या, अगर मेरे 10 संतान भी होते तो मैं उसे देश के लिए कुर्बान कर देता, और एक ही दिन में सब कुछ बदल दिया। करवा दी उन चार कमीनों की रिहाई अपनी बेटी की जान के बदले में। अरे शर्म आती है मुझे तुम जैसे गंदे नेता को देखकर। मेजर, तुम अपने हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। जब एक फौजी की खोपड़ी गर्म हो जाती है तो अपनी हद ही क्या, दुश्मन की सरहद भी पार कर जाता है। जानते हो उन कमीनों ने कितने हिंदुस्तानियों का खात्मा किया, कितनी औरतों का सुहाग उजाड़ा, कितने मासूम बच्चों को यतीम किया, उन्हें पकड़ने के लिए हमारे कितने जाबाज जवान शहीद हुए, और तुमने एक लड़की तुम्हारी बेटी की खातिर उन चार आतंकवादियों को छुड़वा दिया। राजा साहब, सरकारी कुर्सी बाप की मोहब्बत निभाने के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए दी जाती है। सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल सच। भारती, तुम? हाँ मैं, आज मैं भी अपने बाप का असली रूप देखने यहाँ चली आई हूँ, और पता चला कि बीमारी के बहाने आप यहाँ कौन सा आराम फरमा रहे हैं। भारती, तुम भी इन वर्दी वालों की बातों में आ गई। आप इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उन पर राज कर सकते हैं पापा, मगर अब अपनी बेटी की आंखों में धूल झोंक कर उसके दिल पर बाप बनकर राज नहीं कर सकते। मुझे शर्म आती है आपको बाप कहते हुए भी, जिसके बाप ने आजादी की जंग में अंग्रेजों की गोलियां अपने सीने पर खाकर इस देश को आजादी दिलवाई थी, और आज उसी का बेटा आतंकवादियों से गले मिलकर अपने ही देश को लूट रहा है। भारती, बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं, हकीकत है। आज मुझे ये भी मालूम हो गया है कि उन चारों को छुड़वाने के लिए आप ही ने मेरे अपहरण का नाटक रचा था, और फिर बाद में आप ही ने सरकार को गिराने की धमकी देकर सरकार को दबाव में लाकर उन चारों को छुड़वा दिया। देश का प्रधानमंत्री बनने की लालच ने आपको इतना गिरा दिया है कि आपने अपनी खुद की बेटी का भी इस गंदी राजनीति में इस्तेमाल किया। बस करो बेटी। मत कहिए मुझे बेटी, आज से मैंने वो सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं जो हमारे बीच थे। अब मैं आपको सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगी, और देशवासियों से चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि देखिए इस आदमी की असलियत, जिसे तुम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो वो आदमी कितना कमीना है। अरे जो अपनी बेटी को बेच सकता है वो एक दिन कुर्सी के लिए अपनी माँ को, अपने वतन को भी बेच देगा। बदतमीज। वीरभद्र सिंह आतंकवादियों से मिला हुआ है सर। What? That's not possible. उसने अपनी बेटी को भी मार दिया सर, अपनी असली छुपाने के लिए। जी हाँ, वो इस वक्त मेरे कब्जे में, मैं उसे हेडक्वार्टर ले आ रहा हूँ सर। मेजर राठौड़। Come in over.
मेजर राठौर, मेजर राठौर, मेजर राठौर। मेजर राठौर की मौत इस जंग की शुरुआत थी। लोग कहते हैं शैतान की उम्र लंबी होती है, इसीलिए मेरी गोली से दो बार बच गया साला। हालात फिर कुछ यूं बदले कि मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर सका। एक सच्चा सरदार मर सकता है लेकिन अपने बाल नहीं काटेगा। उस दिन वाहेगुरु के सामने अपनी आंखों में आंसू भरे मैंने अपने हाथों से अपना रूप बदल डाला और मजबूरन वो सब कुछ किया जो मेरे धर्म और तबीयत के खिलाफ था। कहानियां खत्म नहीं होती। इस दुनिया में मैं एक अकेला इंसान हूं, एक अकेला बदनसीब इंसान जिसने जीते जी अपनी बीवी को विधवा के रूप में देखा हो। सच्चाई ये है सच्चाई। जिस मकसद से मैं आपको आर्मी हेडक्वार्टर लेके जा रहा हूं वो तो पूरा हो गया, लेकिन आपका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ और कानून के दायरे में रहकर पूरा भी नहीं होगा। के साथ ही हमारी ये दोस्ती का राज भी अब हमेशा हमेशा के लिए धरती में दफन हो जाएगा और कल से हम अपनी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देंगे। वो अपनी दुश्मनी? हाँ, मगर सिर्फ दुनिया की नजर में। वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। ओए, आने वाली नवरात्रि में तुम्हारा यह ऐलान होगा कि वैष्णो देवी के मंदिर में तुम पूजा नहीं होने दोगे। उस ऐलान के सामने हमारा यह चैलेंज होगा कि किसी भी कीमत पर हम माता के मंदिर में जाकर पूजा करके ही रहेंगे। चंगेजी, अगर हमारा ये मकसद कामयाब रहा तो समझ लो मैं नेशनल हीरो बन जाऊंगा। उसके बाद लाल किले पर तिरंगा लहराने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कुख्यात आतंकवादी गफूर चंगेजी ने वैष्णो देवी मंदिर में कल से होने वाली नवरात्रि की पूजा को न होने देने का ऐलान किया और उसके इस ऐलान पर मंत्री वीरभद्र सिंह ने उसे ये कहकर ललकारा है कि वो किसी भी कीमत पर वहां जाकर पूजा करेंगे। इस मामले में हमारे संवाददाता के पूछने पर वीरभद्र सिंह और गफूर चंगेजी की अलग अलग बातचीत। इस बार का ऐलान मंदिर की सीढ़ियों पे खून की नदियां बहा देगा और किसी में इतना दम नहीं है के इस चंगेजी के ऐलान को ललकार सके। अरे कह दिया इस साल नवरात्रि की पूजा नहीं होने देगा तो नहीं होने देगा। सर, चंगेजी के ऐलान के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, लोग बोलते रहते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी, कुत्ते भौंकते रहते हैं और कारवां निकल जाता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के कहने पर किसी मंदिर में पूजा रोकी जाए। मैं वादा करता हूं उस मंदिर में सबसे पहले मैं ही खुद जाकर पूजा करूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए। अब चंगेजी राम दोनों एक्टर बनने लायक हो गए हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं?
यस सर, दिस इज अ फैक्ट। ये उनका प्लान है। अगर उनका ये प्लान कामयाब हो गया, ऐसा हो गया तो आतंकवाद फैलेगा, वो लोग हिंदुस्तान के टुकड़े कर देंगे सर। यू मे प्रोसीड। थैंक यू सर। कर्नल सोडी। सर। आर्मी की नजरों में अब तुम वही देशभक्त और वफादार सिपाही हो। थैंक यू सर। मिशन की शुरुआत से पहले मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूं। आइए। अब अमृता भी तुम्हारी सच्चाई और वफादारी के बारे में जान गई है। मैंने इसको सब कुछ बता दिया है। गरम दिमाग को ठंडा करने का इलाज भी मैं लाया हूं सर। वो देखो। सर, एक नंबर की हफ्ताखोर है, करप्ट है, इसका और मेरा कभी कुछ है। घबरा मत मेजर। सर, आज से किरण ने भी सच्चाई और वफादारी की राह पर चलने की कसम खा ली है। हाँ जी, ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रहे हैं। आज मैं भी इस वर्दी की असली कीमत को समझ गई हूँ। आज से तुम्हारी जिंदगी के हर मिशन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, एक वफादार और जांबाज सिपाही की तरह। हाथ क्या मिला रही है, गले लगा ले। क्यों, बोला था ना दिल पे नाम ना लिख दूं तो मेरा नाम नहीं। लिख दिया ना, हो गई ना आज मेजर की चिट्ठी। बंदे साहब, ज्यादा रिलैक्स ना हो जाएं। साहब, मिशन याद रखी। साहब, जय माता दी। जय माता दी। Yeah.
जगीरा, गेस्ट हाउस में हमारे खाने और आराम करने का इंतजाम किया गया है। हम लोग भोजन के बाद यहाँ से चलेंगे, तब तक आप इत्मीनान से आराम कीजिए और खाना खाइए। हाँ ठीक है। पता नहीं लोग पैदल चलकर पूजा करने के लिए इतना ऊपर कैसे चले आते हैं। मेरे तो पैरों की हालत खराब हो गई, बाप रे। अरे यहाँ तो चमचागिरी बनकर बाहर लोग देख रहे हैं। हाँ। बाथरूम कहाँ है? उस तरफ। अभी वहां भी मेरे पीछे मत आ जाना जी। अरे कमर में भी दर्द है। अरे भाई कहाँ है, लेफ्ट को कि राइट को? सामने है सर। निकली तो जबान खींच दूंगा तेरी। जानते हो मैं कौन हूं? अच्छी तरह जानता हूं तू कौन है। यहां के पॉलिटिकल सिस्टम की नाजायज हालात है। वतन बेचने वाला अपनी ही मां का दलाल है तू। तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह तो यह है कि तूने आर्मी के साथ राजनीति खेली, और आज तो तूने धर्म की गंगा को भी अपनी गंदी राजनीति की गड़न में बहा दिया। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर दूं, लेकिन तुम जैसे गद्दारों का अंत एक अलग अंदाज से होगा। तुम कहलाए जाओगे शहीद, लेकिन मौत मिलेगी कुत्ते की। खबरदार कोई भी हिला दो, नहीं तो मेजर अजीत की खोपड़ी को
रोशनदान बना दूंगा। रिलैक्स रिलैक्स। कहां है वो देशभक्त, वो धर्म का रखवाला जिसने मेरी धमकी के बावजूद इधर आने की हिम्मत की है? डोंट फायर। किधर है वो? बाथरूम में। चलो। वेरी गुड चंगेजी, वेरी गुड, वेरी गुड नहीं, वेरी बैड, वेरी बैड। वीरभद्र सिंह, अब तुम इस दरवाजे से बाहर भागोगे और चंगेजी तुम्हारा पीछा करेगा। चलो भागो। जान देकर अमर हो गए। इस घटना के 3 महीने बाद आज हम सब हमारे महान नेता शहीद वीरभद्र सिंह उर्फ राजा साहब की प्रतिमा की स्थापना के शुभ अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं। मैं उस मिलिट्री ऑपरेशन को कामयाब बनाने वाले और सभी आतंकवादियों को खत्म करने वाले जाबाज मेजर अजीत आर्य से निवेदन करता हूं कि वो यहां पर आए और अपने हाथों से इस प्रतिमा को फूल माला पहनाए। जैसे गद्दारों का अब हम यही हल करेंगे। यह हमारी जनता है ना, उसकी आंख है लेकिन वो देख नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकती, जुबान है बोल नहीं सकती। अब मैं यह हार पहनाऊंगा ना तुम्हें, तो ये सब तालियां बजाएंगे। गांधी जी के बंदर है बेचारे। देखा ना, आज तो इन्होंने बड़ा सम्मान किया है तुम्हारा पुतला बना के, लेकिन आज के बाद ये सब तुम्हें भूल जाएंगे, क्योंकि इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे को भूले, तू किस खेत की मूली है? आज के बाद तेरा सम्मान करेंगे चिड़िया, कौवे और कबूतर।